हेलो एंड वेलकम टू ऑल। वीडियो की शुरुआत हम लोग फिर से क्वेश्चन से करते हैं। क्वेश्चन हमने आपको अनावृत बीजी पौधों में पूछा था कि बताइए विश्व का सबसे लंबा पौधा, तो वो अनावृत बीजी पौधों का था। आंसर था सिकोया, सबसे बड़ा अंडाणु है ना, ऐसे पौधा जिसका सबसे बड़ा अंडाणु या शुक्राणु हो, तो आंसर था साइकस। एक ऐसा पौधा जिसमें है ना फीमेल कोन्स यानी माता शंकु नहीं पाए जा रहे थे, तो आंसर साइकस था। ऐसा पौधा जिससे हमने साबूदाना प्राप्त किया था, उसका आंसर भी साइकस था। साइकस की पत्ती से हम लोग झाड़ू और रस्सी बना रहे थे, बात समझ में आ रही है। पाइनस के बीजों से हमने चिलगोजा प्राप्त किया था। ये सब अनावृत बीजी पौधों के पार्ट थे, उससे सारे क्वेश्चन थे। हम लोग आवृत बीजी पर बात करने वाले हैं, लेकिन आवृत बीजी पर बात करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। जो प्रीवियस ईयर के पेपर के क्वेश्चन हमने जब छांट के देखे, तो उसमें कुछ पौधों के वनस्पतिक नाम पूछे गए थे। जैसा कि पीछे लिखा हुआ है वनस्पतिक नाम, इस वनस्पतिक नाम हमने इसलिए लिख दिया क्योंकि एक भी जो अगर गलती स्पेलिंग की होगी तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो जैसा आप जो पीछे वनस्पतिक नाम लिखे हैं, मैं एक बार आपको पढ़ के दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे लिखा है लहसुन, लहसुन का होता है, देख लीजिए, जैसे ऊपर लिखा हुआ है लहसुन, लिखा है एलियम सटाइवम, ठीक है ना। तो लहसुन का हो गया एलियम सटाइवम। फिर उसके नीचे लिखा है प्याज एलियम सेपा, फिर लिखा है गेहूं ट्रिटिकम सटाइवम, चावल ओराइजा सटाइवा, नारियल कोकस न्यूसिफेरा, सुपारी एरिका कैटेचू, सुपारी एरिका कैटेचू, कत्था एकेसिया कैटेचू, मटर पाइसम सटाइवम, अरहर कैजेनस कैजन, सरसों ब्रैसिका कैम्पेस्टिस, ठीक है ना। तो सरसों है ब्रैसिका कैम्पेस्टिस, फिर इसी के बगल में सलजम लिखा है ब्रैसिका रापा, ब्रैसिका रापा, ठीक है ना। इसके नीचे है बरगद, बरगद कई बार पेपर में आया है क्वेश्चन, तो बरगद का है फाइकस बेंगालेंसिस, फाइकस बेंगालेंसिस। एक बार फिर से बताता हूँ, लहसुन क्या है एलियम सटाइवम, एलियम सटाइवम, गेहूं सॉरी प्याज एलियम सेपा, गेहूं ट्रिटिकम सटाइवम, चावल और ओराइजा सटाइवा, नारियल कोकस न्यूसिफेरा, सुपारी एरिका कैटेचू, कत्था एकेसिया कैटेचू, मटर पाइसम सटाइवम, हरहर कैजेनस कैजन, सरसों ब्रैसिका कैम्पेस्टिस, बरगद फाइकस बेंगालेंसिस। ऊपर लिखा है अशोक, अशोक का है सैरिका इंडिका, पेपर में आया है कई बार कि महावीर स्वामी को अशोक के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उस अशोक का वनस्पतिक नाम बताइए, तो सैरिका इंडिका। कपास का गॉसिपियम हर्बेसियम, भिंडी का हिबिस्कस एस्कुलेंटिस, गुड़हल का हिबिस्कस रोजासिनेसिस, सेब का पायरस मेलस, आलू का सोलेनम ट्यूबरसम, मेहंदी का लासोनिया इनर्मिस, आम का मैंगीफेरा इंडिका, सलजम का ब्रैसिका रापा और मूली का रैफेनस सटाइवस, ठीक है ना। तो आपको जैसे जिस प्रकार से हमको याद है, उस प्रकार से आपको भी याद होने चाहिए। रट लो पूरी तरीके से भैया, रट लो, मैं बता रहा हूँ, इसी से जब पेपर निकलना है, जब आपको पता है कि इसी पार्ट से पेपर निकलना है, तो इस चीज़ को रटते चलो ना भाई। इंटरमीडिएट में छः छः किताबें होती थी मैथ की, लोग रट लेते थे, है ना। आजकल तो छः किताबें भी नहीं पढ़नी है, अगर एक भी किताब तुम कायदे से पढ़ लेते हो तो आपका सिलेक्शन होना जरूरी हो जाता है, ठीक है ना। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई, तो ये वनस्पतिक नाम है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे और इसको आराम से बैठ के लिखेंगे और याद भी करेंगे, आसानी से याद होता है। तो प्याज का क्या हो गया एलियम सेपा, गेहूँ का क्या हो गया ट्रिटिकम सटाइवम। तो जब ये सीरीज पूरी हो जाएगी तो मैं आपको गेहूँ के बारे में बताऊँगा, गेहूँ की पूरी नॉलेज आपको दी जाएगी, चावल की पूरी नॉलेज आपको दी जाएगी, प्लांट किंगडम किसी ने ऐसा नहीं पढ़ा है जितना हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हम लोग गेहूँ प्याज ये सब बताया जाएगा, हमने आपको बताया भी था कि प्याज काटने पर आंसू क्यों आता है, तो एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड या सल्फेनिक एसिड, है ना। तो हम लोगों ने एक वीडियो इसका बनाया भी था और वो पिछला वीडियो आपने याद भी किया है ना। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो जो चीज़ें छूटी, जैसे गेहूँ है ना, चावल, ये सब चीज़ें छूटी हुई हैं, तो इसको हम बड़े लेवल पर पढ़ेंगे कि जिंदगी में एक बार गेहूँ पढ़ा, फिर गेहूँ से चला कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको वो क्वेश्चन आता हो, ठीक है ना। गेहूँ में प्रोटीन पाया जाता है, ग्लूटीन, गेहूं की फसलें हीरा मोती सोना सोनालिका, ये सब आपको याद नहीं चाहिए, बात समझ आ रही है। गेहूं के उत्पादन में चीन आ गए, भारत में कौन आ गए, भारत दूसरा स्थान है, भारत में कौन आ गए, उत्तर प्रदेश, प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पंजाब, तो ये सब आपको सब बताया जाएगा। तो हम लोग आज पढ़ने जा रहे थे क्या एंजियोस्पर्म, लेकिन इसका पहले आप क्या लेंगे स्क्रीनशॉट, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो आवृत बीजी पौधे हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो अभी तक हम लोगों ने आपको जितने पौधे पढ़ाए हैं, है ना, वो आपको पूरी तरीके से पौधों के उसके गुण नहीं पाए जाते थे, है ना, किसी में कुछ अनुपस्थित होता था। जैसे कि अनावृत बीजी पौधा हमने पढ़ा, तो अनावृत बीजी पौधों में बेटा फल नहीं बन रहा था, है ना, नग्न बीज थे, नेकेड प्लांट थे, सॉरी नेकेड सीड्स थे। फिर आवृत बीजी को हम लोग पूर्ण रूप से पौधा कह सकते हैं, तो पढ़ना शुरू करते हैं। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या आवृत बीजी पौधे, आवृत बीजी पौधे जिसके हम कहते हैं
एनजीओ स्पर्म प्लांट। हाँ, आवृत बीजी मतलब अंडाशय उपस्थित होगा, अंडाशय भी होगा, भ्रूण भी बनेगा, बीज भी बनेगा, बात समझ आ रही है, फल भी बनेगा, अरे हाँ कि ना, तो सब कुछ इसमें हो जाएगा, किसमें, आवृत बीजी पौधों में, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन क्या है, है ना, कि आवृत बीजी पौधों में सबसे बड़ा पौधा कौन सा है, सबसे छोटा पौधा कौन सा है, विश्व में सबसे बड़ा बीज कौन सा है, सबसे छोटा बीज कौन सा है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा बीज हो गया, सबसे छोटा बीज हो गया, सबसे बड़ा पौधा हो गया, सबसे छोटा पौधा हो गया, सबसे बड़ी पत्ती किस पौधे की है। अगले क्वेश्चन हम आपसे पूछ सकते हैं कि बताइए कि, क्वेश्चन याद नहीं आ रहा, ठीक है ना, चलिए लिखते हैं तो शायद याद आ जाए, ठीक है ना, चलिए देखते हैं। तो हम क्वेश्चन पहले लिखते हैं, है ना, कुछ क्वेश्चन पहले आप लिखते हैं और उसका आंसर बताते हैं, फिर धीमे धीमे हम लोग चर्चा की जाएगी। तो क्वेश्चन क्या है, सबसे बड़ा आवृत बीजी पौधा, सबसे बड़ा आवृत बीजी पौधा। अगला क्वेश्चन क्या है, सबसे छोटा आवृत बीजी पौधा। अब क्वेश्चन है, सबसे बड़ा बीज, सबसे बड़ा बीज। अगला क्वेश्चन, सबसे छोटा बीज, सबसे छोटा बीज। अब अगला क्वेश्चन क्या बनेगा, अगला क्वेश्चन बनेगा, सबसे बड़ा फूल, सबसे बड़ा फूल। अगला क्वेश्चन, सबसे छोटा फूल। अगला सबसे बड़ी पत्ती वाला पौधा, सबसे बड़ी पत्ती वाला पौधा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन समझ में आया। चलिए, तो क्या है, सबसे बड़ा आवृतबीजी पौधा हो गया यूकेलिप्टस, यूकेलिप्टस, ठीक है, इसको हम कहते हैं बाढ़ का आतंक, बाढ़ का आतंक, और आतंक का दूसरा नाम बाबू भाई, छोड़ते हैं। सबसे छोटा आवृत बीजी पौधा क्या हो गया, सबसे छोटा आवृत बीजी पौधा हो गया लेमना, लेमना। सबसे बड़ा बीज हो गया लाडोसिया या लोडोसिया, इसको डबल कोकोनट कहते हैं, इसका वजन लगभग 16 किलोग्राम होता है, 16 किलोग्राम बता रहे हैं, ठीक है ना। सबसे छोटा बीज, तो सबसे छोटा बीज होता है आर्किड का, आर्किड का। सबसे बड़ा फूल होता है रेफ्लिशिया, रेफ्लिशिया। सबसे छोटा, इसमें फूल भी लगते हैं ना, फल फूल सब है इसमें, ठीक है ना। सबसे छोटा फूल हो गया वॉल्फिया, क्या हो गया, वॉल्फिया, वॉल्फिया। सबसे बड़ी पत्ती होगी विक्टोरिया रीजिया, विक्टोरिया रीजिया, है ना। आवृत बीजी जो है ये पादप जगत का सबसे बड़ा समूह है, आवृत बीजी पौधा जो है ना वो क्या है, प्लांट किंगडम का, पादप जगत का सबसे बड़ा समूह है, सबसे बड़ा समूह है, ठीक है ना। तो हमने आपसे क्वेश्चन का पूछा, सबसे बड़ा आवृत बीजी पौधा बताइए, तो सबसे बड़ा आवृत बीजी पौधा है यूकेलिप्टस, सबसे छोटा आवृत बीजी पौधा बताइए तो है लेमना, सबसे बड़ा बीज बताइए तो लोडोशिया, इसको डबल कोकोनट कहते हैं, लोडोशिया मालदीविया इसका पूरा नाम है। सबसे छोटा बीज है आर्किड का, सबसे बड़ा फूल है रेफ्लिशिया का, सबसे छोटा फूल है वॉल्फिया का, सबसे बड़ी पत्ती है विक्टोरिया रीजिया की। इतनी बात आपको समझ में आई, और पादप जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है, तो आंसर है एंजियोस्पर्म, यानी कि आवृत बीजी पौधे। अब इस आवृत बीजी पौधे में दो क्वेश्चन और भी हैं जो पीसीएस के पेपर में आए हैं, क्या क्वेश्चन दो हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि प्राचीन संसार की नए संसार को उपहार, प्राचीन संसार की नए संसार को उपहार कौन सा पौधा मिला। अगला क्वेश्चन क्या है, नए संसार की प्राचीन संसार को उपहार कौन सा पौधा था। दो क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आप पहली बार कोई क्वेश्चन सुन रहे होंगे, डरने जरूरत नहीं है, यूपी पीसीएस के 2015 में एक क्वेश्चन आया था, है ना, अब आएगा तो आप कर ले जाओगे, 15 में आया था, 15 में हम थे नहीं, हमको पढ़ा नहीं रहे थे, अब तो पढ़ा रहे हैं ना, अब क्वेश्चन हो जाएंगे। तो पहले तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, तुरंत ही इसको याद कीजिए। तो क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन हम आपसे पूछने वाले हैं, रफ करूँ उसको मैं, रफ करूँ, चलिए
तो मैं क्वेश्चन यहाँ पे दो तीन पूछूंगा। पहला क्या है, प्राचीन संसार की नए संसार को उपहार। तो क्वेश्चन नंबर वन, प्राचीन संसार की नए संसार को उपहार किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, नए संसार की प्राचीन संसार को उपहार, है ना। आजकल कांग्रेस पार्टी बड़ी चर्चा में है, तो क्वेश्चन ये है, कांग्रेस घास हम किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन है, कांग्रेस घास किसे कहते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है ना, सब्जी कुल हम किसे कहते हैं, ठीक है ना। सब्जी कुल हम किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बेलाडोना एट्रोपा एक आवृतबीजी का पौधा है, ठीक है ना। तो बेलाडोना एट्रोपा से हमें कौन सी औषधि प्राप्त होती है। तो ये कुछ क्वेश्चन और करते हैं। तो प्राचीन संसार की नए संसार को उपहार है तो आंसर गेहूं, नए संसार के प्राचीन संस्कार को उपहार तो आंसर है मक्का, मेज, ट्रिटिकम सैटिवम। कांग्रेस घास किसे कहते हैं, है ना, ये तो फंसा दिया। तो कांग्रेस घास हम लोग को कहते हैं किसको, पार्थिनियम हिस्टेफोरास, क्या हिस्टेरोफेरास। तो पार्थिनियम हिस्टेरोफेरास को हम लोग क्या कहते हैं, कांग्रेस घास कहते हैं। सब्जी कुल हम लोग कुकुरबिटेसी को कहते हैं, अभी मैं आपको कुकुरबिटेसी पढ़ाने वाला हूँ, कुकुरबिटेसी को कहते हैं। बेलाडोना एट्रोपा से हम लोग को प्राप्त होती है जो दवा, उसका नाम है, है ना, बेलाडोना। तो बेलाडोना एट्रोपा से हमको बेलाडोना नाम की एक औषधि प्राप्त होती है जिसका प्रयोग हम किस में करते हैं, सिरदर्द को दूर भगाने के लिए और निद्रा लाने के लिए। तो एक प्रकार से ये क्या है, निश्चेतक है, एनेस्थीसिया है, ठीक है ना। तो बेलाडोना एक औषधि है जो कि हमें बेलाडोना एट्रोपा नाम के पौधे से प्राप्त होता है, और ये पौधा किस कुल का है, तो आंसर है आवृतबीजी पौधा है, ठीक है ना। हाँ, अब इस आवृतबीजी पौधे को हम दो भागों में बांटेंगे, जैसे कि हम आपको बताते चले आ रहे हैं बार बार कि एक होगा मोनोकॉट और एक होगा डाइकॉट, मतलब एक होगा एक बीजपत्री और एक होगा द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री में एक बीजपत्र पाया जाएगा, इसमें कैम्बियम नाम का ऊतक नहीं होगा, जड़ें ज़्यादा विकसित नहीं होंगी, ठीक है ना, याद रखिएगा, क्या जड़ें ज़्यादा विकसित नहीं होंगी, कैम्बियम नहीं पाया जाएगा और एक बीजपत्र होगा इसमें, ठीक है ना। और जो पुष्प होंगे है ना, वो तीन पंखुड़ी में होंगे या छह पंखुड़ी में होंगे या नौ पंखुड़ी में होंगे, मतलब तीन या तीन के गुणांक में होंगे। बात समझ आ रही, ये हो गया एक बीजपत्री। द्विबीजपत्री में क्या होगा, दो बीजपत्र पाए जाएंगे, कैम्बियम नाम का ऊतक पाया जाएगा, जड़ें ज़्यादा विकसित होंगी, और जो पुष्प होगा वो चार या पांच के पंखुड़ी में पाया जाएगा, ये चार या पांच के गुणांक में पाया जाएगा, ये आपको याद रखना है भैया, ठीक है ना। इसको हम लफ कर दें, इसको आप नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए, तो आवृतबीजी पौधे को हम दो भागों में बांटेंगे, एक बीजपत्री और दूसरा होएगा द्विबीजपत्री, ठीक है ना। तो इसे कहें मोनोकॉट, डाइकॉट। तो जो एक बीजपत्री है ना, एक बीजपत्री में क्वेश्चन क्या बनेगा, एक बीजपत्री के तीन चार क्वेश्चन है, समझिएगा कि इसमें एक बीजपत्र पाया जाएगा, दूसरा जड़ें ज़्यादा विकसित नहीं होंगी, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, इसमें दो बीजपत्र पाए जाएंगे, जड़ें पूर्ण विकसित होंगी। इसमें क्या होगा, कैम्बियम नाम का ऊतक नहीं पाया जाएगा, कैम्बियम नाम का टिश्यू जो तने की वृद्धि के लिए सहायक होता है, तने को बढ़ाता है, कैम्बियम नहीं होता,
इसमें क्या होगा, कैम्बियम होता है, इसमें कैम्बियम होता है, ठीक है ना। तो आपको ये तीन तीन अंतर याद रखने हैं, क्या एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में। तो अब आते हैं एक बीजपत्री में, है ना, फिर द्विबीजपत्री के बहुत सारे पॉइंट होंगे। एक बीजपत्री में आपको तीन चार बताते हैं हम आपको, फैमिली और उसके पौधे। फैमिली का नाम है लिलिएसी, याद रखना है भैया, होगा म्यूजेसी, पाल्मी, ग्रैमिनी। लिलिएसी में आएगा लहसुन और प्याज, लहसुन और प्याज, ठीक है ना, लहसुन प्याज। म्यूजेसी में आएगा केला, पाल्मी में आएगा सुपारी, पान, ठीक है ना, ग्रैमिनी में आएगा गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ, जई, गन्ना, बांस, ठीक है ना, और घास, और घास। कह दिया जाए सबसे बड़ी घास कौन सी है, घास फैमिली का या ग्रास फैमिली का सबसे लंबा पौधा कौन सा है, तो आंसर है बांस, ठीक है ना। तो घास फैमिली का सबसे लंबा पौधा कौन सा भैया, तो आंसर है बांस। गेहूं चावल ये सब लोग पढ़ेंगे भैया, मैं आपको बता रहा हूँ, गेहूं चावल सब कुछ मैं आपको पढ़ाऊंगा और अच्छे लेवल से पढ़ाऊंगा, आपको एक ही बार पढ़ना होगा। हमारे साथ आपको सिर्फ एक बार पढ़ना होगा, फिर कभी जिंदगी में पढ़ना नहीं पड़ेगा, है ना। और आप बस अगर बाई चांस, भगवान न करे, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन आपको पास इतनी नॉलेज होगी कि आप भूखे नहीं मरोगे मेरे साथ, ठीक है ना। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो ये क्या है, आवृतबीजी पौधे के हैं, ठीक है ना। आवृतबीजी पौधे में आपको चार याद रखने हैं, पेपर में कई बार आया कि बताइए प्याज किस कुल का पौधा है, तो लिलिएसी का। केला तो आंसर है म्यूजेसी। सुपारी, पान तो आंसर है पाल्मी, है ना। गेहूं चावल ये सब किस कुल के हैं, तो आंसर है ग्रैमिनी। इतनी बात आपको समझ में आई। और हमने आपको बताया तो था ही कि लहसुन क्या कहते हैं, एलियम सटाइवम, प्याज एलियम सेपा, मूसा साग जिसका, हेकेरिया कैटेचू, है ना, और ट्रिटिकम सटाइवम और ओराजा सटाइवा, सब बता चुके हैं आपको इसके वनस्पतिक नाम जो पेपर में कई बार आए हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग आते हैं द्विबीजपत्री में। द्विबीजपत्री के कम से कम आपको 10 फैमिली बताएंगे, उस 10 फैमिली में कम से कम बहुत सारे पौधे आएंगे और वो पौधे आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो इसमें आपको 10 फैमिली बताएंगे, इसमें आपको चार बताई है, इसमें आपको 10 बताएंगे। फिर जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी कभी आपको प्लांट किंगडम नहीं पढ़ना पड़ेगा। आपको ये 5-6 वीडियो, मतलब कि आपने मतलब 4-5 घंटे हमारे साथ पढ़े हैं, इस 4-5 घंटे में प्लांट किंगडम हमने आपको खत्म कर दिया। तो ये प्लांट किंगडम अगर आपने मेरे साथ पढ़ लिया, फिर आपको कोई नहीं पढ़ा पाएगा, ठीक है ना। आप टीचर बन सकते हो और किसी को फंसा भी सकते हो, ठीक है। और हमारे पास बहुत सारे मैसेज भी आए, सर मज़ा आ रहा है, मज़ा हमको भी आ रहा है क्योंकि आपके कमेंट आ रहे हैं, तो हमें मज़ा आ रहा है ना। कमेंट कॉम्प्लीमेंट, है ना, अंतर होता है दोनों में, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई, इतनी कोई दिक्कत है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ द्विबीजपत्री, ठीक है ना। अब हम लोग बात करेंगे किस पर, द्विबीजपत्री पर, डाइकॉट पर। द्विबीजपत्री में आपको हम कम से कम 10 फैमिली बताने वाले हैं भैया। कितनी फैमिली, कम से कम 10 फैमिली, है ना। जैसे जैसे हम यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, पहली फैमिली हम आपको लिखेंगे क्या, क्रूसीफेरी, क्रूसीफेरी, ठीक है ना। दूसरी लिखेंगे मालवेसी, मालवेसी। तीसरी हम आपको लिखेंगे लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनेसी। फिर लिखेंगे कंपोजिटी, कंपोजिटी, ठीक है ना। फिर लिखेंगे कुकुरबिटेसी, कुकुरबिटेसी। फिर लिखेंगे रूटेसी, रूटेसी। फिर हम लोग लिखेंगे रोजेसी, रोजेसी, है ना। फिर लिखेंगे मिटरेसी, क्या लिखेंगे, मिटरेसी या मिटेसी, 8 हो गई। इसके बाद मिटेसी के बाद हम लिखेंगे अम्बलीफेरी, अम्बलीफेरी। पहले 8 देख लेते हैं, लास्ट में 2 देख लेंगे। तो क्रूसीफेरी में आपको क्या रखना है, मूली, सलजम, सरसों, मूली, सलजम और सरसों।
सब बताया हमने, मूली का बताया, रेफानिस सटाइवस, सलजम का बताया हमने, ब्रैसिका रापा, सरसों का ही बताया हमने आपको, क्या है ना ब्रैसिका, सॉरी हाँ सरसों बताया हमने आपको, ब्रैसिका कैम्पेस्टिस। चलिए कोई बात, देखते हैं मालवेसी में, देखते हैं तो उसमें आ गया मूली, सलजम और सरसों। अब आते हैं मालवेसी में, तो मालवेसी में क्या पाया जाएगा, मालवेसी में कपास, भिंडी, कुड़हल, कपास, भिंडी, गुड़हल, है ना, हिबिस्कस रोजासिनेसिस, है ना, गॉसिपियम हर्बेसियम, किसका है, कपास का। भिंडी क्या बताया था, हिबिस्कस एस्कुलेनेटस, है ना। लेग्यूमिनेसी में आते हैं, लेग्यूमिनेसी में जितनी भी दलहनी फसलें होंगी वो सारी आ जाएंगी। तो लेग्यूमिनेसी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे अशोक, बबूल, छुई मुई, लिख देते हैं अशोक, बबूल, शीशम, छुई मुई, सारी दलहनी फसलें और सोयाबीन, इमली, है ना, ये सब किसमें आएगा, ये सब आएगा लेग्यूमिनेसी में। कंपोजिटी में आते हैं, फूल आएंगे, जैसे कि हो गया कंपोजिटी में, हो गया क्या, सूरजमुखी, सूरजमुखी हो गया, गेंदा हो गया, ठीक है ना। कंपोजिटिव क्या हो गया, सूरजमुखी हो गया और गेंदा हो गया, गुलदाउदी हो गया, गुलदाउदी हो गया। कुकुरबिटेसी में क्या आएगा, तरबूज आएगा, ये जो सब्जी कुल है, खीरा आएगा, है ना, और तरबूज हो गया, खीरा हो गया, तो खरबूजा हो गया, चिचिंडा हो गया, ठीक है ना। रूटेसी में करेला हो गया, ठीक है। रूटेसी में कौन आएगा, रूटेसी में खट्टी चीजें आएंगी, जैसे कि मौसम्मी, संतरा, ठीक है ना, मौसम्मी हो गया, संतरा हो गया, और कौन सी खट्टी चीज होगी, चलिए देखते हैं। रोजेसी में आते हैं, रोजेसी में क्या आएगा, गुलाब आएगा, सेब आएगा, इमली के बगल में सेम आएगा, है ना, गुलाब हो गया, सेब हो गया। मिर्टेसी में क्या आएगा, अमरूद आएगा, मिर्टेसी में अमरूद आएगा, जामुन आएगी, मेहंदी आएगी, अमरूद, जामुन, मेहंदी, और सबसे बड़ा पौधा यूके लिप्टस, यूके लिप्टस। तो रोजेसी में क्या, गुलाब नहीं है, रोजेसी में गुलाब है, ठीक है ना। रोजेसी में गुलाब आ गया, सेब आ गया, नाशपाती आ गया, नाशपाती आ गया। रूटेसी में खट्टा पदार्थ और कोई बताओ, संतरा हो गया, मौसम्मी हो गया, संतरा हो गया, मौसम्मी हो गया, एक खट्टा पदार्थ और कोई बताओ, नींबू, सबसे इम्पोर्टेंट सिट्रस मेड का नींबू, है ना। तो मिट्टेसी, तो नौ हो गए, नौ के बाद आठ हो गए, सॉरी आठ, आठ के बाद नवा और दसवां, नवा और दसवां, ठीक है, नौ और दस, अम्बली फेरी, अम्बली फेरी। तो अम्बली फेरी में क्या आएगा, अम्बली फेरी में आएगा धनिया, जीरा, सौंफ, धनिया, जीरा, सौंफ, लौंग, ठीक है ना, धनिया, जीरा, सौंफ और लौंग। अब क्वेश्चन ये है कि दसवां छूट कौन सा रहा है, है ना। एक छूट रहा है सोलेनम ट्यूबरसम, सोलेनम ट्यूबरसम मतलब क्या होता है, आलू, है ना, सोलेनम ट्यूबरसम। इधर देखिएगा थोड़ा सा, क्या हो गया, सोलेनम ट्यूबरसम, मैं यहीं लिख देता हूँ, यहाँ क्या हो जाएगा, सोलेनेसी, सोलेनेसी, सोलेनेसी में क्या आएगा, आलू, मिर्च, बैगन, टमाटर, ठीक है ना, आलू, मिर्च, बैगन और टमाटर, तमाकू, तमाकू, ठीक है ना। तो आलू, मिर्च, बैगन, टमाटर और तमाकू, ये सब किस में आएंगे, सोलेनेसी में आएंगे। अम्बली फेरी में धनिया, जीरा, सौंफ, लौंग आएगा। मैं एक बार फिर से जल्दी से पढ़ के बताता हूँ, ध्यान रखिएगा। क्रूसीफेरी मूली, सलजम, सरसों। मालवेसी कपास, भिंडी, गुड़हल। लेग्यूमिनेसी अशोक, बबूल, सीसम, छुई मुई, दलहनी फसल, सोयाबीन, इमली, सेम। कंपोजिटी में सूरजमुखी, गेंदा, गुलदाउदी। कुकुरबिटेसी में तरबूज, खीरा, खरबूजा। रूटेसी में मौसम्मी, संतरा, नींबू। रोजेसी में गुलाब, सेब, नाशपाती। मिर्टेसी में अमरूद, जामुन, मेहंदी, यूकिलिप्टस। हम्बली फेरी में धनिया, जीरा, सौंफ, लौंग। लौंग का वनस्पतिक नाम यार पूछा गया कभी, लौंग शायद
लौंग का वनस्पतिक नाम पूछा है, एक बार पूछा गया है, लौंग का पूछा गया है, तो इसका आंसर है सिनामोमम एरोमेटिकम, सिनामोमम एरोमेटिकम, याद रखिएगा, मैं इसमें छूट गया था, सिनामोमम एरोमेटिकम, ठीक है ना। धनिया का जब पूछा जाएगा तो आपको याद रहेगा कोरेंडियर को हिंदी में कहते हैं धनिया, ठीक है, तो कोरेंडियर से ही बन जाएगा वो। सोलनेसी आलू का सोलेनम ट्यूबरसम, मिर्च का कैप्सिकम बताया था हमने आपको, है ना। बैगन की सबसे अच्छी प्रजाति कौन सी है ना, ब्लैक ब्यूटी। टमाटर में लाइकोपीन नाम का शब्द लगा होगा, तंबाकू में निकोटीन नाम का शब्द लगा होगा, ठीक है ना। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई है, तो ये हम लोगों ने पढ़ लिए वनस्पतिक नाम, आवृतबीजी पौधे, एक बीज पत्री, द्वि बीज पत्री, एक बीज पत्री में लिलियेसी, म्यूजेसी, पाल्मी, ग्रैमिनी, और द्विबीजपत्री में इतने 10 कुल के पौधे, 10 कुल में जितने पौधे थे वो सब हमने नोट कर लिए। तो बस आपको थोड़ा समय देना है याद करने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हमारे पास भी 1350 ग्राम का मस्तिष्क है और आपके पास भी 1350 ग्राम का मस्तिष्क है। आइंस्टीन के पास 1230 ग्राम का मस्तिष्क था लेकिन फिर भी वो इतना होशियार था, और हमारे पास तो 1350 ग्राम का मस्तिष्क दुनिया में आग लगाने के लिए काफ़ी है, ठीक है ना। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं और इस वीडियो को समाप्त करते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे प्लांट फिजियोलॉजी में आएंगे, है ना। अभी तो मॉर्फोलॉजी भी पढ़ सकते हैं, मॉर्फोलॉजी में क्या होगा, आकारिकी में, आकारिकी में पौधों का आकार, आकार मतलब जड़, तना, पत्ती, फूल, फल, इनके बारे में पढ़ेंगे। पेपर में झूठा फल कौन सा है, है ना, झूठा फल कौन सा, ये झूठा और सच्चा फल कैसा होता है ना, जानने के लिए देखते रहिए अगला एपिसोड। स्क्रीन शॉट आपने ले लिया होगा, हाँ, इसके लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।